कोई पूछता है एक्टिंग करने के लिए मैं इतना पैसा लेंगे, वो सस्ते में भी करने के लिए अपने परिवार का पेट पालने के लिए सस्ते में भी काम करती थी। एक लेडीज है और जो कुलदीप हुड्डा है, जिन्होंने मतलब हमारे साथ बदतमीजी की, हमारा केस रजिस्टर नहीं किया इन्होंने कि, और दूसरी बात यह है कि हमें गुमराह किया गया, और जो ऐसा ही बहादुर है उनको भी इन्होंने सस्पेंड कर दिया। अच्छा। तो तीन लोगों को इन्होंने सस्पेंड कर दिया। दिल्ली सरकार का एक भी मंत्री इनसे मिलने नहीं पहुंचा, निगम पार्षद तक नहीं आए, विधायक तक नहीं आए। उनके ही इलाके में एक लड़की के साथ गैंगरेप हो जाता है, उसको अगवा कर लिया जाता है, और उसके बाद भी जब लड़की का शव बरामद होता है उसके बाद भी परिवार से कोई मिलने नहीं आता है। प्रशासन की लापरवाही थी जो आज ये बहन हमारे बीच में नहीं है। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आपको बता दें कि एक लड़की 11 मई को अपने घर से एक लड़की के साथ दूसरे राज्य में जाती है, और वो लड़का उस लड़की को संगीत सिखाने, संगीत कराने और साथ में एक म्यूज़िक वीडियो में पार्ट लेने के लिए लेकर जाता है, और वो लड़की रोज़गार के लालच में उसके साथ चली जाती है। हालांकि अपने परिवार को इस बात की जानकारी भी देकर जाती है, लेकिन 12 मई को जब उसको फ़ोन किया जाता है तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता है। 14 मई को परिवार थाने में जाकर गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवाता है, लेकिन 14 मई को रिपोर्ट लिखवाने के बाद से 22 मई को रोहतक रोड से उसी लड़की का शव बरामद होता है। सोचिए दिल्ली पुलिस की कितनी बड़ी लापरवाही थी कि 14 मई को कंप्लेन लिखवाने के बावजूद भी पुलिस उस लड़की को ढूंढ नहीं पाई। 22 मई को सीधा उस लड़की का शव बरामद होता है, जिसके बाद आपको वीडियो में हमने दिखाया कि किस तरीके से तमाम एनजीओ के लोग, तमाम कार्यकर्ता, अलग अलग पार्टी के लड़की से मिलने आए, पीड़िता से मिलने आए, और कहीं ना कहीं पुलिस पर दबाव बनाया गया, और तब जाकर अभी दिल्ली पुलिस की तरफ से, यानी कि द्वारका के डीसीपी शंकर चौधरी की तरफ से इस मामले को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया गया है। वो फैसला क्या है, एक बार उन्हीं लोगों से जुड़ेंगे। आपको बता दें कि जिस तरीके से बताया जा रहा था कि सुबह 6 बजे शव को पुलिस ने अपने गिरफ्त में ले लिया था, उसके बाद काफ़ी देर बाद जो शव है वो परिवार को वापस दे दिया गया, और अभी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सभी लोग शमशान घाट आए हुए थे, और लड़की का जो शव है उसको यहाँ पर अंतिम संस्कार करके लोग जाते नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि 4 घंटे तक भीम आर्मी सेना की एक मीटिंग चली, उस मीटिंग के बाद कहीं ना कहीं सभी लोगों ने पुलिस के ऊपर दबाव बनाया कि इंसाफ की गुहार लगाई, तब जाकर इंसाफ उस लड़की को मिल पाया। हालांकि आपको बता दें कि ये इंसाफ पूरी तरीके से नहीं है, सिर्फ 25% का इंसाफ है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को देखते हुए द्वारका के डीसीपी शंकर चौधरी ने एक फैसला लिया है, जिसमें जो आला अधिकारी इस पूरे मामले में शामिल थे, जिसमें आईओ और एक महिला पुलिसकर्मी के साथ एक और बहादुर सिंह नाम का जो पुलिसकर्मी था, उन सभी को सस्पेंड कर दिया गया है, और साथ में एसीपी और एसएचओ को लाइन हाजिर किया गया है इस पूरे मामले को देखते हुए। सर, आप क्या कहेंगे, आखिर में जाकर 25% तो इंसाफ मिल ही गया है। ऐसे है मैडम, मैं नजौड़ जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ। हमारे जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी नरेंद्र कुमार जी, उनके आदेश थे कि सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता इस परिवार के दुख में शामिल हों, और हम सुबह से थे और हम इस न्याय मांग रहे थे। हमने पुलिस वालों को सबको कहा, लेकिन सच्चाई ये है कि इसमें दोनों सरकार दोषी हैं, केजरीवाल भी और मोदी भी। दोनों सरकार की गलती है, राज्य सरकार की भी गलती है, जहाँ एक तरफ राज्य सरकार यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल महिला सुरक्षा की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ केंद्र में बैठी मोदी सरकार इन जितने भी पुलिसकर्मी हैं दिल्ली में, वो सब कहीं ना कहीं उनके अंडर आते हैं। कार्यवाही में लापरवाही तो बरती गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर जो कार्यवाही अब की गई है वो कार्यवाही शायद पहले हो जाती तो आज परिवार के बीच में वो लड़की मौजूद होती। कार्रवाई तो जी सारी बाकी है अभी। दिल्ली सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं पहुंचा। मान लो इस परिवार को कोई सहायता देनी हो, केंद्र सरकार से कोई नहीं पहुंचा। निगम पार्षद भी हैं, एमपी साहब भी हैं, दिल्ली सरकार में मंत्री हैं कैलाश जी, किसी कोई अपना बंदा भी नहीं भेजा यहाँ पे, तो हुआ क्या? पुलिस कर्मी यानी कि डीसीपी शंकर चौधरी के संज्ञान में ये मामला होता तो शायद हो सकता था वो महिला इस हमारे बीच में अभी मौजूद होती।
तो देखिए इस वक्त हमारे साथ परिवार मौजूद है। जैसे ही मुझे यहाँ की सूचना मिली मैं वैसे ही यहाँ पे चली आई। मैं कल यहाँ पे 6-7 बजे के करीब आई थी। उसके बावजूद मेरे को यहाँ पे जितना पता चला है कि इनकी बहन ने मुझे बताया है कि वही वो लापता थी, उन्होंने पुलिस थाने में इनकी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की है। प्रशासन ने मतलब इनकी कोई सुनाई नहीं करी, उल्टा इनसे कहते हैं कि हम इतनी दूर जाएंगे ये करेंगे। गवर्नमेंट उनको खर्चा देती है ना, पेट्रोल का, मोबाइल का, खाने का, पीने का, लेकिन इन गरीब परिवार के लिए उनके पास 150 किलोमीटर जाने के लिए कहते हैं कि हम कैसे जाए। अच्छा, जो संगीता थी वही पूरे घर को चलाती थी? बिल्कुल, जहाँ तक मैंने सुना है मैम वही चलाती थी। और हमेशा इनके 5 बहनें हैं, अब तो 4 ही हैं, भाई है, एक भाई है शायद वो भाभी है, उनका रो रो के बुरा हाल है। अच्छा, अभी बताया जा रहा है कि पुलिस सस्पेंड हो गए हैं जो भी इस पूरे मामले में शामिल थे, क्या कहेंगे आप? उनके सिस्टर हैं, सस्पेंड हो गए हैं। हमें जब हम अंदर जब हमारी मीटिंग हुई है तो उसमें तो उन्होंने बताया है कि 3 अधिकारी सस्पेंड हो गए हैं। तो स्टार्टिंग से ही मतलब उनका बिहेवियर ठीक नहीं था, मतलब ना उन्होंने कंप्लेंट लिखी थी। जब हम बोल रहे हैं भाई इस बंदे के साथ गई है तो उसके बाद भी मिसिंग कंप्लेंट लिख रहे हैं, तो वहीं से पता लग रहा था ये मतलब कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे। मैं इनको सबूत पे सबूत ला के दे रही थी, ये यहाँ से मतलब ये एक्शन नहीं ले रहे थे, तभी से पता चल रहा था भाई क्या कुछ है। इनको फ़ोन करते थे तो इनको लगता था कि भाई पता नहीं दुश्मनों का फ़ोन आ गया, ये लगता था इनको। इनको कहते हैं कि आपके पास वीडियो कॉलिंग आएगा, इसका मतलब है प्रशासन को पता था कि वो लड़की कहाँ पे है, क्यों और किस नंबर से आपको वीडियो कॉलिंग आएगा। कुलदीप हुड्डा मिला हुआ था इसमें। अच्छा, मतलब आपको कुलदीप हुड्डा ने ये कहा था कि आपको लड़की का वीडियो कॉल आएगा आपकी? नहीं, कुलदीप हुड्डा ने ऐसा ही बहादुर ने कहा था, लेकिन मेरी दीदी का जो पहले वाला केस था वो इस कुलदीप हुड्डा के पास ही था। अच्छा, हाँ, तो कुलदीप हुड्डा ने पैसे वैसे खाए हैं और इसमें कोई वो नहीं है। और पैसे खा के मतलब रवि के साथ मिलके वो मतलब बोला कि भाई मतलब पैसे खा लिए, मरवा दे, क्या कर लेंगे ये। अच्छा, ऐसी बात है, सोचा है इनकी, उनकी सोच है ये, है ना, हुई नहीं तो पैसे खाए हैं। और इतना काम जब इन्होंने काम नहीं किया, मतलब जब इतना कुछ होने के बाद भी ये एक्शन में नहीं आ रहे हैं, हमसे ही लिखवा के लेके जा रहे हैं कि भाई मतलब तुम्हारा मर्द शरीर है, मतलब अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, साफ बन रहे हैं। तो यही बात है, मतलब कुलदीप हुड्डा का भी अभी हाथ ही है इसमें कहीं ना कहीं। आपसे 3 घंटे तक DCP सर के साथ मीटिंग चली थी अंदर? जी, 4 घंटे तक। 4 घंटे तक चली, उसमें यही निकला आप लोगों ने अपनी सारी बातें नहीं रखी कि इंसाफ चाहिए? घटना पूछी गई मेरे से। अच्छा, कि क्या हुआ था? हाँ, क्या हुआ था घटना, भाई किस किस तरीके से, मतलब मतलब जो यहाँ का प्रशासन है आपके साथ किस तरीके का व्यवहार किया गया था यहाँ के जो प्रशासन ने, तो वो मैंने उनको बता दिया। तो उन्होंने सुन के तो देखो अच्छा, मतलब मेरी तरफ से तो मतलब, और हम उन्होंने जो एक्शन लिया मैं उससे संतुष्ट हूँ। अच्छा, आप संतुष्ट हैं? हाँ जी, उनके एक्शन से। ठीक है, भीम आर्मी के हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण टाक है। अरुण जी, क्या कामयाबी मिली है पुलिस के साथ आपकी? कुछ करीब 3 घंटे तक की मीटिंग चली, उसके बाद क्या फैसला निकल के आया है? फैसला ये निकल के आया कि DCP साहब ने जो 3 अधिकारी थे, एक आईओ, एक उसका असिस्टेंट और एक उसके नीचे लेडीज, तीनों को सस्पेंड कर दिया है और SHO साहब और ACP साहब को उन्होंने लाइन हाजिर करा। अच्छा, लाइन हाजिर कर दिया है, क्या कहेंगे कि आज काफ़ी समय से, कल से लेकर आज तक आपने इतनी मेहनत करी तब जाकर DCP शंकर चौधरी की तरफ से ये फैसला लिया गया? की ताकत है भीम आर्मी के एक कार्यकर्ता की और बहुजन मीडिया की, जिन्होंने पूरी रात बारिश के अंदर भी हमारी बहुजन बहनों ने मीडिया के माध्यम से हमारी आवाज़ को बुलंद करने का काम किया। सबसे पहले आपको धन्यवाद करता हूँ। आज हम खड़े हैं शमशान घाट के अंदर, क्योंकि बहन की जो है 11 तारीख से न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, आज वो हमें न्याय कुछ हद तक मिला है। अभी 25% न्याय मिला है, 75% न्याय अभी बाकी है। और आप देख रहे हैं जैसे हाथरस वाला मामला हुआ, इसको भी वही रूप देने की पूरी तैयारी कर रखी थी प्रशासन द्वारा, लेकिन हम बिल्कुल डटे रहे, ईमानदारी से अपनी बहन की न्याय की लड़ाई को लड़ते रहे और हमें बॉडी दी गई। और कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं है कि आज अगर ये पूरी की पूरी टीम नहीं होती, जिस तरीके से रात से इन सभी लोगों ने थाने के बाहर प्रोटेस्ट किया और पुलिस पर एक दबाव बनाया कि परिवार को इंसाफ दिलवाने की जरूरत है, और कहीं ना कहीं उसके बाद ही दोनों आरोपियों को तो पकड़ लिया गया था, लेकिन जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे थे कि पुलिस के जो आला अधिकारी जो आयु शामिल थे इस पूरे मामले में, फिलहाल उन पर भी मामला दर्ज कर लिया गया है। सर, क्या कहेंगे आपके इतना प्रोटेस्ट करने के बाद, पुलिस पर दबाव बनाने के बाद, कहीं ना कहीं बच्ची को पूरा इंसाफ तो नहीं कहेंगे, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने बताया कि 25% इंसाफ मिल ही गया? बहन जी, ये भारत का विकास है, ये
जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, तो हमें आज अपनी बेटी बचाने की जरूरत है। वे दरिंदे बैठे हुए नोचने वाले, और जहाँ तक हमारे प्रशासन की बात है उसमें वो जो आग में बताऊँ घी डालने का काम करते हैं वे, जो आज जो प्रशासन ने DCP साहब ने जो सहयोग किया है भीम आर्मी का, जो न्याय के लिए लड़े हैं वे भी, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि हमें जो ऐसे अधिकारी की जरूरत है जो एक लाइन क्रॉस करके जो न्याय दिलाने के लिए काम करते हैं। और भीम आर्मी भी अब जो काम कर रही है, उन्होंने सराहना की है हमारी भी कि भीम आर्मी के साथ है प्रशासन। लेकिन सर सवाल ये है कि DCP शंकर चौधरी अब एक फैसला सुना रहे हैं, आपको नहीं लगता ये कार्यवाही पहले करनी चाहिए? आला अधिकारी जो आईओ है गलत सूचना देते हैं, आला अधिकारी जो बैठे हैं उनके कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन असल में उनका काम जीरो होता है। जो गरीब घर के जो परिवार होता है ना, वो सिर्फ धक्के खुवाते हैं उनको, आप आइए जाइए, न्याय देने की उनकी मंशा होती नहीं है। तो भीम आर्मी है अब ये पीड़ित जो भी है, अब ये डरने की जरूरत नहीं है, भीम आर्मी बहुजनों के साथ खड़ी है, किसी भी बहन बेटी के साथ है तो हम साथ खड़े रहेंगे उनके साथ खड़े रहेंगे। बिल्कुल, तो देखिए जिस तरीके से भी हमने सभी से बात करी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कहीं ना कहीं इसमें ये कहना भी गलत नहीं है कि अगर आज ये लोग साथ नहीं होते तो उस बच्ची को इंसाफ नहीं मिल पाता। बताया जा रहा है परिवार वालों की तरफ से कि दो आरोपियों को तो पकड़ लिया गया है जो मुख्य आरोपी थे, जिसमें रवि और मोहित, जिसका नाम अनिल, अब पूरे मामले के बाद खुलासा हुआ है कि मोहित का नाम ही अनिल है, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। और इन दोनों ने खुद कबूल किया है कि इस मामले में इन्होंने ही संगीता उर्फ दिव्या का कत्ल किया है और उसको खुद रोहतक रोड पर फेंक कर आए थे। उसके बाद अब आगे देखना होगा कि कब तक बाकी के जो आरोपी हैं, जिस तरीके से परिवार की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस ने सिर्फ दो आरोपी को पकड़ा है, अभी भी दो आरोपी बाकी हैं, तो देखना ये होगा कि पुलिस की तरफ से कब कार्रवाई होती है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में कार्रवाई तो हुई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आरोपियों को पकड़ने में क्यों दिल्ली पुलिस नाकाम रही? दिल्ली में महिलाएं अपने आप को कब सुरक्षित समझ पाएंगी? क्या एक लड़की की हत्या होने के बाद दिल्ली पुलिस सिर्फ कार्रवाई करेगी, उन आरोपियों को पकड़ लेगी और बाद में इसी तरीके से पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर देगी? क्या जरूरी नहीं है कि ये घटना घटने से पहले ही पुलिस पूरे इंतजाम करे, अपनी हर कोशिश करे ताकि उस मुजरिम को पकड़ पाए और उस लड़की को सही सलामत उसके घर तक छोड़ पाए? क्योंकि दिल्ली में जो है आपराधिक मामले चरम पर है और ऐसे में प्रशासन कहीं ना कहीं इस पूरे कटघरे में खड़ा होता नजर आ रहा है, सवालों के घेरे में पुलिस के आला अधिकारी खड़े होते नजर आ रहे हैं कि ये पुलिस अधिकारी कर क्या रहे हैं, क्यों लगातार दिल्ली में अपराध बढ़ता जा रहा है, क्यों इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, कब महिलाएं अपने आप को देश की राजधानी में सुरक्षित समझ पाएंगी, दिन में रात में कब ऐसा होगा कि आराम से खुलेआम महिलाएं अपने काम पर, अपने ऑफिसेज या फिर उनको कहीं भी जाना है वो जा पाएंगी? तो कहीं ना कहीं ये बेहद ही गंभीर सवाल है कि महिलाएं देश की राजधानी दिल्ली में अपने आप को सुरक्षित कब महफूज कर पाएंगी? तो जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन खुशी लाल के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली।